दोस्तों, हर रोज राशिफल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हर रोज सटीक भविष्यवाणी, साथ ही आपके जीवन में आ रहे सभी परेशानियों का समाधान मिलने वाला है। तो आप भी हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ज्योतिष के मुताबिक 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों पर पड़ने वाली ग्रह दशा के अनुसार ही किसी भी जातक का भविष्य या वर्तमान में चल रही उथल पुथल का पता लगाया जा सकता है। कुल 12 ज्योतिष राशियां होती हैं और प्रत्येक राशि की अपनी ताकत और कमजोरियां, अपने स्वयं के विशिष्ट गुण, इच्छा एवं जीवन तथा लोगों के प्रति रवैया होता है। आकाश की छवियों या जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के विश्लेषण के आधार आने वाले समय के बारे में भी बताया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको 13 मई का कुंभ राशि फल बताने वाले हैं। इस दिन आपको शुभ फल के संकेत मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस कुंभ राशि फल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की पॉजिटिव बातों के बारे में। परिवार के लोगों का आपको हर काम में सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा और वे आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। आवश्यक होने पर आर्थिक तौर पर भी वे आपकी मदद करेंगे। आप हर कार्य को और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर हौसला बढ़ेगा। आप स्वयं के ऊपर भी कुछ खर्च करेंगे जिसमें आपका व्यक्तित्व विकास और अपने आप को अच्छा दिखाने हेतु कपड़ों तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधनों जैसी चीजों पर भी खर्चे शामिल होगा। नया प्लॉट खरीदकर उसका निर्माण कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में यह समय काफी हद तक अच्छा रहने वाला है और इस दौरान आपके परिवार में कोई नई प्रॉपर्टी खरीदे जाने की भी संभावना दिखाई देती है। कुछ लोगों को वाहन का सुख भी मिल सकता है। आप अपने किसी पुराने घर को रिकंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। इस राशि वाले लोगों को चारों तरफ से फायदा मिलने की संभावना बन रही है। आप अपने कामकाज पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। आपका भाग्य मजबूत रहेगा। भाग्य के बलबूते आपके सभी कार्य सफल हो सकते हैं। आपको अपनी मेहनत का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। व्यापार से जुड़े हुए लोगों को अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं। आपका स्वभाव अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे। प्रेम संबंधित मामलों के लिए आपका समय मजबूत रहने वाला है। आप अपने सोचे हुए कार्य पूरे कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को किसी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना बन रही है जिसकी वजह से आपका मन प्रसन्न होगा। व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। आपकी सेहत सामान्य रहेगी। कामकाज के सिलसिले में किए गए प्रयास सफल होंगे। आपको अपनी किस्मत का पूरा सहयोग मिलने वाला है। आमदनी के अच्छे स्रोत भी मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की निगेटिव बातों के बारे में बात करें तो शेयर बाजार में निवेश करने में आपको सावधानी बरतनी होगी। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ेगी और ध्यान व्यय होगा। आपको स्वयं को शांत रखते हुए लड़ाई झगड़े से बचना होगा। अपने जीवन साथी से भी तालमेल बनाए रखने में कोई कमी ना छोड़े। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपसे बहुत खुश नहीं होंगे, चाहे आपने इसके लिए कुछ भी क्यों ना किया हो। किसी ऐसे कार्य का हिस्सा न बने जो अनैतिक हो। माता और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। बेचैनी की कसमसाहट आपको परेशान कर सकती है। इससे बचने के लिए टहलने निकले और ताजा हवा में गहरी सांस ले। सगे संबंधियों और भाई बंधुओं से आपकी अच्छी नहीं बनेगी। आपका मन परेशान रहेगा, इसलिए आपका झुकाव धार्मिक कार्यों की ओर बढ़ेगा। घर परिवार का तनाव दूर होगा। किसी बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार आने की संभावना बन रही है। प्रेम संबंधित मामलों में आपको सफलता हासिल होगी। किसी तरीके से आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप अपनी योजनाओं पर सोच विचार करेंगे। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपका मन खुश रहेगा। शिव पार्वती के आशीर्वाद से आपकी आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। आपके द्वारा की गई मेहनत भी रंग लाएगी। परिवार में चल रहे तनाव दूर हो सकते हैं। आपको अपनी मेहनत से अधिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की लव राशि फल के बारे में बात करें तो आज का दिन अपने साथी को प्रेम से संबंधित उपहार या अपनी भाव भंगिमा के द्वारा आश्चर्यचकित करने का है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अन्य चीजें भी कुछ समय से अपना ध्यान आपकी ओर आकर्षित कर रही है। आपने साथी को हर तरह से अपना मान लिया है। अब यह समय अपनी प्रशंसा दिखाने का है और ये सुनिश्चित करें कि वही चीज आपको सहृदय वापस मिले। बहरहाल, आज अपने साथी के अंधे के रिश्ते में तनाव को बढ़ा सकती है।
आज अपने साथी के द्वारा आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आपको महंगे उपहार या असाधारण तरीके से अपने साथी से वार्तालाप करने का मौका मिलेगा, जिससे कि आप अपने प्यार को पुनः पाएंगे या जानेंगे। अगर आप अकेले हैं तो आपका प्यार एक ऐसी जगह खिल सकता है जहां इसकी संभावना नहीं के बराबर है, पर इसे अकल्पनीय ना समझे। संभावना है कि आपको इस जगह से ऐसे रिश्ते की प्राप्ति हो सकती है जो कि पूर्ण होगा और जिसके बारे में आपने सोचा भी न था। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की धनराशि पर की बात करें तो हालांकि आपको अपने कार्यस्थल पर हास्य और आनंद लेने की कला आती है, परंतु अब आप पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप आज एक गैर जरूरी कार्य में भी गंभीर मुद्रा में रहेंगे। एक सहयोगी की स्तुति और लापरवाही के कारण आप उसका काम अपने लिए कर सकते हैं, इसलिए आप पर कुछ अनुचित कार्य का दबाव आज बन सकता है। जिन परियोजनाओं पर आप लंबे समय से लग्न के साथ कार्य कर रहे थे, इस मोड़ पर आप उन्हें सार्वजनिक कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी शैली में मंच पर आगे की ओर शान से रुख कर सकते हैं। आपके काम की विशिष्टता आपको सम्मान दिलाएगी जब यह सबके सामने आएगी। हालांकि गोपनीयता बनाकर रखना समय की मांग है। आपके कार्यस्थल पर तनाव का माहौल है। यह तनाव का माहौल आपकी वजह से नहीं बल्कि व्यापार में कुछ भारी नुकसान की वजह से हो सकता है। अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा ना भरें, बल्कि इसके बजाय नकारात्मक विचारों की लहर घर में आ रहे हैं। आपके खर्चों का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आवश्यक धन की प्राप्ति होगी। आज आप अपने संबंधित काम में गंभीर रूप से तनाव से प्रभावित हो सकते हैं। आंतरिक दबाव आपके सिर चढ़कर बोलेगा और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके पास आवश्यक समय की कमी हो सकती है, लेकिन आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस समय को आसानी से निकलने का प्रयास करें। आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुननी पड़ सकती है जो कि आपको मिलनसार नहीं लगता, लेकिन व्यावसायिक कारणों के लिए यह आपको करना होगा। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशि पर की बात करें तो आज आप ऊर्जा और आशा से भरे हैं। यह सकारात्मक भावना आपको पूरे दिन प्रेरित करती रहेगी, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए। हालांकि आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर भी आप बिस्तर पर तो पड़े नहीं रहेंगे। विशेषज्ञ से सलाह लेकर आप बहुत ही जल्द अपने स्वास्थ्य में सुधार कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मालामाल होने के अनोखे टोटकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको कुछ अद्भुत और अनोखे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको गारंटेड मालामाल कर देंगे। कहते हैं जिस घर का वास्तु सही होता है वहां शांति और समृद्धि का स्थायी निवास होता है। अगर आप घर में चाकू, कैंची, झाड़ू और डस्टबिन पर ध्यान दें तो जल्द ही मालामाल बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन बातों के बारे में। वास्तु के अनुसार पौधे लगाने से घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। हरियाली आंखों को शांति देती है। घर में भी यदि वास्तु के अनुसार पौधा लगाया जाए तो घर में शांति के साथ ही सुख समृद्धि भी बढ़ने लगती है। झाड़ू घर में किसी ऐसे कोने में रखें जो एकदम दिखाई ना दे। घर में कोई भी बंद घड़ी ना लगी रहे। जो घड़ी काम ना कर रही हो उसे घर में ना रखें। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए चंदन आदि से बनी अगरबत्ती जलाएं। इससे मानसिक बेचैनी कम होती है, साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ने लगती है। घर के डस्टबिन में ज्यादा कचरा इकट्ठा ना होने दें। कभी भी किचन के सिंक में ज्यादा समय के लिए गंदे बर्तन ना रखें, क्योंकि इससे घर में अलक्ष्मी का निवास होता है, साथ ही घर के सदस्यों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। नुकीले औजारे जैसे कैंची, चाकू आदि कभी भी इस प्रकार नहीं रखे जाने चाहिए कि उनका नुकीला बाहर की ओर हो। हर रोज कम से कम 25 मिनट के लिए खिड़की जरूर खोलें। इससे कमरे से रात की ऊर्जा बाहर निकल जाती है और साथ ही सूरज की रोशनी के साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। ईशान्य कोण यानी उत्तर पूर्व में तुलसी का पौधा लगाएं। घर की बैठक में जहां घर के सदस्य आमतौर पर एकत्र होते हैं वहां बांस का पौधा लगाना चाहिए। पौधे को बैठक के पूर्वी कोने में गमले में रखें। शयन कक्ष में पौधा नहीं रखना चाहिए, किंतु बीमार व्यक्ति के कमरे में ताजे फूल रखने चाहिए। इन फूलों को रात को कमरे से हटा दें। तीन हरे पौधे मिट्टी के बर्तनों में घर के अंदर पूर्व दिशा में रखें।
बोनसाई ना लगाएं क्योंकि बोनसाई प्रगति में बाधक एवं हानिकारक होता है। तो दोस्तों इस तरह से 13 मई का कुंभ राशि फल रहने वाला है। शुभ फल के कुछ संकेत भी इस दिन आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करें।